हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई का ड्राइंग, जिसके लिए हम सबसे पहले उसकी बॉडी बनाते हैं ओवल शेप और सर्कल शेप, और नीचे से भी ऐसे कर्व कर्व करते हुए उसकी बॉडी का पार्ट बना लेते। अब यहाँ पे हम उसके विंग्स ड्रॉ करेंगे। विंग्स ड्रॉ करने के लिए दोनों सेम साइज में होना चाहिए, इसलिए सेम सेम साइज में कर्व कर लिए। नीचे की भी साइड में इतना ही बड़ा होना चाहिए और यहाँ से कर्व करते हुए विंग्स को ज्वाइंट कर देते हैं। नीचे से हम इस टाइप से डिजाइन कर देते हैं। तो डिजाइन हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बम्पटी शेप ड्रॉ करते हुए ऊपर ज्वाइंट करते हैं, तो सेम साइज में है, दोनों सेम साइज के होना चाहिए। यहाँ पे भी और नीचे के साइज में भी, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बम्पटी शेप, हो जाने के बाद अब हम उसके विंग्स के अंदर डिजाइन बनाते हैं। तो दोनों विंग्स के डिजाइन सेम होना चाहिए, ऊपर में भी कर्व फाइन, ये जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा इस साइड से भी बनाएंगे, छोटे बड़े नहीं, सेम सेम साइज में होना चाहिए। यहाँ पे डिजाइन पैटर्न भी हम हमारे चॉइस का बना सकते हैं, जैसे हार्ट शेप जैसे बनाए हैं तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। छोटे छोटे से दोनों सेम साइज में, अब यहाँ पे एक बना लेते हैं और इस साइड, यहाँ पे हम ओवल शेप ड्रॉ करते हैं दोनों सेम साइज में, यहाँ पे भी ओवल शेप इस साइड, तो इस टाइप विंग्स में सेम सेम डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन अच्छे से लाइट लाइट ड्रॉ करना है, दोनों साइज में सेम सेम। अभी हमने पेंसिल से ड्रॉ किया है, यहाँ पे डिजाइन थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अब हम उसके एंटीना ड्रॉ कर लेते हैं, तो दोनों साइज सेम होना चाहिए एंटीना के भी। ये हो जाने के बाद हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पेंसिल कलर यूज करने वाले हैं, तो पूरा अच्छे से आउटलाइन कर लेना है ब्लैक स्केच पेन से। और आउटलाइन हो जाने के बाद हम इरेजर से हल्के हाथ से इरेज कर लेंगे पूरा का पूरा ड्राइंग को, अच्छे से इरेज भी कर लेंगे। तो इस टाइप से सेम सेम साइज में अच्छे से आउटलाइन होना चाहिए। ये आउटलाइन हो गया, नीचे साइज में भी पूरा का पूरा आउटलाइन हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जो जो पेंसिल का रह गया था। ये पेंसिल कलर है, हमारे चॉइस के कलर कॉम्बिनेशन में हम कलरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेमन येलो है या फिर क्रोम येलो, लेमन येलो, ऑरेंज, रेड शेड के शेडिंग में हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम हमारे चॉइस के कलर कॉम्बिनेशन में भी बटरफ्लाई का कलर कर सकते हैं, तो ये शेडिंग में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने येलो का शेड किया, फिर थोड़ा सा डार्क शेड में हम लोग रेड ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो सीक्वेंस जैसा पहले हमने येलो किया, ऑरेंज किया, फिर रेड, तो स्ट्रोक जिस डायरेक्शन में डिज़ाइन है उसी डायरेक्शन में कलरिंग करना है, और छोटे छोटे स्ट्रोक में करना है, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, शेडिंग अच्छे से होना चाहिए, छोटे छोटे स्ट्रोक में करना है, आउटलाइन के बाहर भी कलर में जाना चाहिए, ये भी चीज़ें ध्यान देना। अब जो ये डिज़ाइन था सर्कल ओवल शेप, इसमें भी सेम है, दैट इज यहाँ पे दूसरे कलर में करना है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, वो कलरफुल होती है, तो कलरफुल होने के साथ साथ हम कलरफुल बना सकते हैं और हमारे मन के कलर भी अच्छे से भर सकते हैं। अच्छे से कलरिंग हो जाने के बाद उसके बॉडी में कलरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन शेड लिया है, यहाँ पे यदि दूसरा कलर करना है तो भी हम कर सकते हैं, अलग अलग भी कलरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर से उसके ऊपर थोड़ा सा शेडिंग करेंगे। अभी यहाँ पे ये ब्लैक पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल से अच्छे से मिक्स करते चलते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद पूरा कलर हम ब्राउन शेड
दोनों विंग्स में भर देते हैं, और वो भरने के बाद ब्लैक पेंसिल से हम उसके ऊपर शेडिंग करेंगे, ब्राउन के अंदर ब्लैक पेंसिल से शेडिंग करेंगे तो और सुंदर दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में हम फ्लावर्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो इस टाइप से हम कलरफुल बैकग्राउंड भी बना सकते हैं अलग अलग कलर्स की पेंसिल लेके। पेंसिल को पीछे पकड़ के रखना है और स्लैंटिंग स्लैंटिंग बैकग्राउंड में कलरिंग कर सकते हैं। इस टाइप से एक सुंदर सा हम बटरफ्लाई का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको बटरफ्लाई का ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।